दोस्तों इंडी ट्यूटोरियल में मैं आपका स्वागत करता हूं, मैं राजदीप और आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Asus के Zenfone Max Pro M1 की। और गाइस अभी लॉन्च हुआ है 3 मई को और मेरे को किस्मत से पहले ही मैंने इसको सेल में से ऑर्डर कर दिया और सक्सेसफुली ऑर्डर हो गया। नोट 5 प्रो में बहुत दिक्कत हुई ऑर्डर करने में, लेकिन ये फर्स्ट सेल में ही मैंने इसे ऑर्डर कर दिया। तो गाइस जल्दी से देखते हैं कि फोन कैसा है, अनबॉक्स करते हैं और उसके फर्स्ट इंप्रेशन कैसे हैं। तो दोस्तों बिना देर करिए चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये हमारे पास बॉक्स फ्लिपकार्ट से मैंने इसे ऑर्डर किया था और इसकी हम अनबॉक्सिंग करते हैं। अब कहाँ से ओपन होगा, ये यहाँ से ओपन होना चाहिए। तो गाइस ये है हमारे पास Zenfone Max Pro का बॉक्स, 4G VoLTE है और इसके अंदर यहाँ पर हम बैक में देखें तो 5000 mAh की बैटरी है, 14 nm का इसका प्रोसेसर है, फुल व्यू डिस्प्ले है, 6 inch का आपको इसके अंदर डिस्प्ले मिलता है और बाकी आपको यहाँ पे कुछ नंबरिंग वगैरह और ये सारी चीज़ें बारकोड वगैरह दिखते हैं। और चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो वैसे ये ब्लू और ग्रे कलर का बॉक्स हमारे पास और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग इसकी दिखाई दे रही है और अब इसको हम ओपन करते हैं। ये हम इसका फ़ोन खोलते हैं, सबसे पहले देखते हैं वी फोटो, तो फोटो दे रखा है, इसका रीज़न पता नहीं क्या है और देखते हैं हम इसके अंदर हमें क्या मिलता है। इसके अंदर हमें शायद मेन्यू वगैरह जैसी चीज़ें मिलने वाली है शायद, हम इसे खोल कर देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ मेन्यू वगैरह हैं, कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और कुछ बारकोड वगैरह है, मैं इसे साइड में रख देता हूँ। उसके बाद हमारे पास है ओरिजिनल फ़ोन, तो इसको हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे, मैं साइड में रख देता हूँ। उसके बाद हम बॉक्स के अंदर देखते हैं बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स के अंदर हमें मिलता है ये जो है, ये फ़ोन की जो वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ करने के लिए इन्होंने डिवाइस दिया है, साउंड को इंक्रीज़ करने के लिए मैक्स बॉक्स के नाम से। तो अगर आप इसको इसके अंदर फ़ोन ऐसे लगा देते हैं, कैसे लगेगा ऐसे शायद, तो इससे इसकी जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगी। और उसके बाद आपको मिलते हैं USB केबल जो कि चार्जिंग के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको मिलता है एक चार्जर, तो गाइस ये आपको बॉक्स में मिलते हैं। उसके बाद हमें मिलता है यहाँ पर फोन, तो गाइस फोन तो बहुत ही स्लिम और बहुत ही स्लीक दिख रहा है और मैं इसे खोल लेता हूँ, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस बहुत ही अमेजिंग है, डिस्प्ले बहुत अमेजिंग इसका दिखाई दे रहा है और बैक से देखें तो बहुत ही स्लिम है। ड्यूल कैमरा है, बैक से फिंगरप्रिंट्स यहाँ पर सेंसर आपको दिखता है और फ्रंट में देखें तो यहाँ पर आपको फ़ोन दिखाई देता है। तो गाइस दिखने में बहुत अच्छा है, मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। पावर्ड बाय एंड्रॉयड और गाइस इसके अंदर स्टॉक एंड्रॉयड है, तो जैसा कि दूसरे फोन्स के अंदर आपको मिलता है कि बहुत सारी स्किन होती है, बहुत सारी उसके ऊपर थीम्स होती है, तो वो इसमें आपको नहीं मिलती है और एकदम स्टॉक एंड्रॉयड वाला आपको इसके अंदर एक्सपीरियंस मिलता है जो कि बहुत ही अमेजिंग है। तो गाइस ये थी इसकी अनबॉक्सिंग और मैं इसका एक इन डेप्थ रिव्यू करूंगा इसको यूज करने के बाद। तो गाइस अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं इन डेप्थ रिव्यूज और इसके कंपैरिजन भी करूंगा। बहुत सारे फोन है, नोट 5 प्रो हो गया, लेनोवो P2 हो गया और भी बहुत सारे फोन है जो इसी के लेवल के हैं, तो मैं उनसे कंपैरिजन की वीडियोस बनाऊंगा और आप वो देखिए, आपको उससे बेटर हेल्प मिलेगी कि आप कौन सा फोन लेना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतनी, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।